नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूँ आपके साथ शिवम। दिसंबर का महीना अब ख़त्म होने वाला है। अगर हम ठंड की बात कर ले तो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि राजधानी पटना के सहित बिहार के 26 जिला जो है वो ठंड से प्रभावित है। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी इस बार जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन के तरफ से जो लोग बेघर हैं उनके लिए पटना में लगभग 3 दर्जन शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। जो लोग बेघर हैं उस शेल्टर होम में जाके रह सकते हैं। और वहीं आपको बताते चले कि इस बार जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक अलाव की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। ऐसे में जो लोग बेघर हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना में और आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कुहासा है वो अभी सुबह 10:30 बज रहे हैं और अभी तक जो कुहासा है वो है, धूप अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफ़ी अब धीमी रफ्तार से अपने गतिरोध के तरफ बढ़ रही हैं। तो आप साफ तौर पे राजधानी पटना की तस्वीर देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं उन्हें काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इस बार ठंड ने बहुत पहले ही दस्तक दे दी है, जिससे काफ़ी जो आम लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो बारिश थी वो भी पहले आ चुकी थी, जिसके कारण इस बार ठंड भी बहुत जल्दी ही लोगों को अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। तो आप साफ तौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि ये राजधानी पटना का तस्वीर है। जो भी लोग अपने गाड़ियों से निकल रहे हैं वो बाकायदा पूरे तरीके से ग्लव्स और मास्क लगा के ही निकल रहे हैं, पूरे तरीके से ठंड से बचने का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि जो ठंड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो फ्लाइट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम उड़ रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट्सों को विजिबिलिटी नहीं मिलने के कारण कैंसिल कर दिया जा रहा है। वही ट्रेनों की जो रफ्तार है वो थम गई है। जो ट्रेन है कोरोना महामारी के कारण बहुत कम ही चल रहे हैं, पर जो ट्रेन है वो भी अब धीमी रफ्तार में आ चुका है। तो साफ तौर पे आपको बताते चले कि इस बार ठंड ने बिहार सहित पूरे देश में ज़्यादा कहर बरसा चुका है। दक्षिणी भारत की अगर हम बात कर ले तो दक्षिणी भारत में हर बार उतना ठंड देखने को नहीं मिलता था, पर इस बार दक्षिणी भारत में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अगर दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली में जो सेल्सियस है वो भी 3 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगर राजधानी पटना की बात कर लिया जाए तो राजधानी पटना में भी जो सेल्सियस है वो 6 डिग्री पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में लाइव सिटीज़ भी आपसे अपील करता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सेफली निकले। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द